नमस्कार, मैं भाविश गजपाल, लक्ष्य पीएससी एकेडमी और लक्ष्यविद भाविश गजपाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में बेल आइकन को प्रेस करके ऑन मोड पर रखें। और इसके अलावा यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लक्ष्यविद भाविश गजपाल सर्च करके टेलीग्राम में जुड़ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के टॉपिक में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं का पार्ट टू। करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूं जिसमें से क्वेश्चन आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे सब में आ सकते हैं, तो पार्ट टू है। पार्ट वन का भी यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना, इसके अलावा आपको लिंक ना टेलीग्राम चैनल में मिलेगा पार्ट वन का। छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना के बारे में पढ़ेंगे। पुराने वीडियो में मैंने 6-7 योजनाओं को पढ़ा रखा है, अभी हम नई योजनाओं को कुछ और पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना जिसकी घोषणा 13 मई 2021 से हुई है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में ये लागू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो उससे संबंधित है। तो महतारी दुलार योजना जो संबंधित है वो स्कूल शिक्षा विभाग से है, इसका संचालन स्कूल शिक्षा विभाग करेगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? COVID-19 से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु यह योजना लाई गई है, महतारी दुलार योजना। ठीक है, तो क्या क्या प्रावधान होंगे? ऐसे बच्चे जिन्हें अपने माता पिता को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना के कारण खो दिया है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। ठीक है, इसके साथ ही राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य शासन उठाएगी। ऐसे बच्चे यदि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में फॉर्म भरते हैं तो उनसे फीस नहीं लिया जाएगा, और वर्तमान में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की संख्या जो है वो 171 है, उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। साथ ही उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। कितनी है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की संख्या? 171। पूर्व में कितने थे? 52, अभी कितने बढ़ गए, कितने घोषणा हुई है? 119 और की, तो कितने हो गए? 171। पात्र छात्रों को स्कूल शिक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, ये भी प्रावधान है। क्या प्रावधान नहीं है करके पूछ देगा। प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, ठीक है, जो है वो प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, प्रवेश हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो कमर्शियल वाले में प्रशिक्षण कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, है ना, ये सभी सुविधाएं इसमें दी गई है। छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी इसमें? तो पहली से आठवीं तक के ऐसे छात्रों को 500 रुपए प्रतिमाह, नौवीं से बारहवीं तक के ऐसे छात्रों को जो पूर्व में प्रावधान है उसी के तहत छात्रों को 1000 रुपए प्रतिमाह। शासकीय निजी स्कूल के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, चाहे वो किसी भी स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं। पात्रता की शर्तें क्या होंगी? छत्तीसगढ़ का निवासी हो, ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु COVID-19 से हुई हो, ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधी पात्रता रखता हो, है ना, फ्रॉड वाला नहीं आएगा, आयु संबंधी पात्रता भी होनी चाहिए, जिसके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो, शासकीय अथवा प्राइवेट किसी भी स्कूल में पढ़ाई करने पर ये बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, ये सभी इसमें पात्रता की शर्तें हैं। इसके बाद अगली जो योजना है उसके बारे में हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ श्री धनवंतरी योजना या मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना या श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना इसे हम कहेंगे। तो इसका प्रारंभ हुआ है 20 अक्टूबर 2021 से, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। अभी वर्तमान में 20 अक्टूबर सन 2021 से जेनरिक दवाओं को बेचने के लिए स्टोर बनाया गया सभी जिला सरकारी अस्पतालों में। योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में जेनरिक स्टोर के माध्यम से सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराना। एक होता जेनरिक, दूसरा होता इथिकल। इथिकल जो दवाई होती है जो बाहरी कंपनियां बनाती हैं वो महंगी होती हैं, जेनरिक दवाइयां सस्ती होती हैं। प्रावधान क्या है? योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के 25 जिलों में से 84 जिलों में कितने
84 जेनरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। 84 पूछेगा संख्या तो कितना है, 84 है, याद रखेंगे। इस योजना के तहत 169 नगरी क्षेत्रों में 188 जेनरिक मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे नगरी क्षेत्रों के लिए। इन मेडिकल स्टोर में सभी आय वर्ग के लोगों को अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य में जो MRP है उसमें से 50-70% तक का छूट दिया जाएगा इस योजना के तहत, याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कौशल्या मातृत्व योजना के बारे में। कौशल्या मातृत्व योजना का प्रारंभ 1 मार्च 2021 से किया गया। कब से? 1 मार्च 2021 से। मां के साथ नवजात बच्ची के पोषण सुरक्षा के लिए यह अभिनव पहल है, ये जो योजना है मातृत्व योजना। योजना के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके पहले केवल प्रथम संतान पर दिया जाता था, अलग अलग दर था, अभी द्वितीय संतान पर भी दिया जाएगा। केंद्रीय मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण एवं सुधार के लिए पहली जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपए की राशि दी जाती थी, या दी जाती है, अभी थी नहीं है, दी जाती है जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में, लेकिन अभी सीधा एक मुफ्त दिया जाएगा दूसरे संतान के लिए 5,000 रुपए की राशि। उद्देश्य क्या है? दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना और लाभार्थी दूसरी बालिका की नवजात माता इसके लाभार्थी होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम गढ़बो नवा भविष्य योजना के बारे में। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गढ़बो नवा भविष्य के माध्यम से शिक्षा, पुलिस, फौजी, डॉक्टर समेत विभिन्न व्यवसायों के बारे में परिचित कराया जाएगा इस योजना के माध्यम से, कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2021 से 26 जनवरी 2022 तक चलेगी। 26 जनवरी वर्तमान आने वाले 2022 तक चलेगी यह जो गढ़बो नवा भविष्य योजना है। इसके बाद हम बात करते हैं तुहर सरकार तुहर द्वार। 1 जून 2021 से विभाग, कौन सा विभाग? परिवहन विभाग के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। थीम क्या होगा? तुहर सरकार तुहर द्वार, अब पहुंची जरूरी कागजात आपके द्वार। तो क्रियान्वयन कैसे होगा? इस नई सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को समस्त प्रकार के स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर के पते पर पहुंचाया जाएगा। तो तुहर सरकार तुहर द्वार योजना है ना, परिवहन विभाग से संबंधित है, जितने भी कागजात वगैरह वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से 22 सेवाएं जो है वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा इस योजना के माध्यम से। अब नवीन योजना की बात करते हैं, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना। इसमें से प्रश्न बन सकता है 100%। मानस मंडली प्रोत्साहन योजना, राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर रामायण मंडलियों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर पंजीकृत रामायण मंडलियों की प्रतियोगिताएं होंगी इसमें। इसके तहत प्रोत्साहन राशि और स्तर को देख लेते हैं। राज्य स्तर पर क्या होगा? प्रथम स्थान पर चयनित मंडली को 5,00,000 रुपए, द्वितीय स्थान पर चयनित मंडली को 3,00,000 रुपए, तृतीय स्थान पर चयनित मंडली को 2,00,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी राज्य स्तर पे। जिला स्तर पे प्रथम स्थान पर चयनित मंडली को रामायण मंडलियों को 50,000 रुपए, ब्लॉक स्तर पे प्रथम स्थान पर चयनित 146 रामायण मंडलियों को 10,000 रुपए, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम आने वाली 12,000 मंडलियों में प्रत्येक को 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी मानस मंडली प्रोत्साहन योजना के तहत। जो क्षेत्रीय स्तर के जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। अब हम बात करने वाले हैं फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना, जो कि केंद्र प्रवर्तित योजना है। शुरुआत हुआ है कोंडागांव जिले से। कहां से? कोंडागांव जिले से। यह प्रश्न बनता है, बन सकता है, याद रखेंगे।
उद्देश्य क्या है, कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे बच्चों को निशुल्क फोर्टिफाइड ठीक है चावल उपलब्ध कराना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना को राज्य सरकार से हरी झंडी मिली है और हरी झंडी मिलते ही प्रदेश के कोंडागांव जिले में चावल वितरण कर इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली योजना की। तो अगला योजना भी एकदम इंपॉर्टेंट है, लोक कलाकार से संबंधित है, लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। प्रावधान क्या है, प्रत्येक वर्ष 100 लोक कलाकारों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, कितने 100। नृत्य संगीत लोक नाट्य लोक गाथा छत्तीसगढ़ी गीत विद्या से संबंधित एक वर्ष में अधिकतम संख्या जो है 30 कलाकार, एक वर्ष में कितने 30 कलाकार अधिकतम संख्या में प्रत्येक को प्रोत्साहन राशि मिलेगी 24,000 रुपए। शिल्प कला के क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकतम 20 शिल्पकार को 15,000 रुपए की राशि। वाद्य यंत्र विधा में 20 वादक को प्रत्येक को 18,000 रुपए की राशि। छत्तीसगढ़ी पाक कला मतलब व्यंजन कला में 25 कलाकार को 12,000 रुपए की राशि, प्रावधान है प्रोत्साहन राशि। सौंदर्य कला में एक वर्ष में अधिकतम 10 कलाकार को 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी है, प्रतिवर्ष 101 युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, कितने केवल 101। स्कूल शिक्षा के लिए चयनित 30 छात्रों को 8,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए चयनित 15 छात्रों को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 56 चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह इस योजना के तहत देने का प्रावधान है प्रोत्साहन राशि, ये याद रखेंगे, करंट अफेयर का टॉपिक है पूरा, कहीं भी पूछ सकता है। अगला जो है योजना है वो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए लागू तिथि है 1 जून 2021, याद रखेंगे, तिथि पूछ देता है। उद्देश्य क्या है, किसानों पंचायतों व वन समितियों की आय बढ़ाना, उद्देश्य क्या है पूछता है, पूछ देगा। प्रदेश में से पौधारोपण कर पर्यावरण में सुधार करते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करना, यह भी इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण को बढ़ाने के पीछे। तो इसमें और क्या क्या उद्देश्य है देख लेते हैं। निजी क्षेत्र कृषकों शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना है ना, पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना, कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना, कृषकों की आय बढ़ाना इसमें शामिल रहता है हर योजना में अधिकतर। निजी भूमि पर रोपित तथा पूर्व से खड़े वृक्षों के है ना पातन तथा काष्ठ के परिवहन नियमों को सुगम बनाया जाकर नागरिकों को निजी भूमि पर रोपण हेतु आकर्षित करना, निजी भूमि पर ताकि वो पौधा रोपित करे और उससे इस योजना का लाभ ले। निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाकर काष्ठ का उत्पादन बढ़ाया जाकर काष्ठ के आयात जो है ना जो ला रहे हैं आयात में उत्तरोत्तर कमी लाना, लकड़ी का जो आयात करते हैं उसमें उत्तरोत्तर कमी लाना ताकि हम अपने अपने क्षेत्र में ही काष्ठ जैसे काष्ठ वाली लकड़ियों को वृक्षों को लगाएं और उसका हम खुद स्वयं लाभ उठाएं। वनों में उपलब्ध काष्ठ पर जैविक दबाव को कम करते हुए वनों को सुरक्षित रखा जाना, यह भी इस योजना का उद्देश्य है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर बाढ़ अनावृष्टि आदि को नियंत्रित करना, भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाना इस योजना का उद्देश्य में शामिल है। उद्योगों की लकड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, जीडीपी में वृद्धि भी इस योजना के तहत उद्देश्यों में शामिल है, याद रखेंगे। बात करते हैं आगे पात्रता हितग्राही कौन होंगे और प्रावधान क्या क्या है। तो किसान एवं राज्य के नागरिक के ऐसे नागरिक या ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल लगाई थी, यदि वे अपने खेत में धान के बदले वृक्षारोपण करते हैं तो शासन द्वारा आगामी 3 वर्षों तक 10,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी उन्हें।
धान की जगह यदि वृक्षारोपण करते हैं तो प्रति एकड़ 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी आगामी 3 वर्षों तक। ग्राम पंचायत, यदि ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि में से वृक्षारोपण करते हैं, उपलब्ध जो है ना राशि उसमें से वृक्षारोपण करते हैं तो सफल वृक्षारोपण की दशा में 1 वर्ष बाद संबंधित ग्राम पंचायत को शासन द्वारा 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी यदि सफल हुआ तो। संयुक्त वन प्रबंधन समिति को क्या मिलेगा, यदि संयुक्त वन प्रबंधन समिति के पास उपलब्ध राशि में से राजस्व भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है, वाणिज्यिक वृक्षारोपण साफ बोल दिया, तो संबंधित समिति को 1 वर्ष पश्चात 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये इस योजना के तहत प्रावधान है। और जितनी भी नई योजनाएं थी, इसके पहले मैंने पुराना योजना का पूरा समराइज जितने पेपर में आए हुए थे आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, पुराना जितना भी पेपर में आया हुआ था ना उसको बताया हूं कि इस क्वेश्चन को इस योजना को पूछा है, योजनाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछा है, पूरा समरी बना के डाला था, पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हूं, और ये अभी 2 वीडियो और बना रहा हूं जिसमें से प्रश्न आने के चांसेस बहुत सारे हैं नए, ठीक है। पुराने वाले तो योजनाओं को पूरा बता दिया हूं, ये नई योजनाएं इसमें शामिल है, कुछ 1-2 पुरानी भी है। तो इस प्रकार वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें।